एक मिनट भाई, एक मिनट, आ गया हूँ यार। ये बच्चों ने ना रात के टाइम पता नहीं ये क्या लगा दिया, बैठा उसमें जाने के रास्ते के ऊपर, तो इसके ऊपर चल के ही जाना पड़ेगा। दोस्तों डक्स इतनी शोर मचा रही है ना, ये देखो आप। ओ भाई आ गया हूँ, एक मिनट चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओए ये क्या है? ओ भाई ये तो डक का अंडा लगता है मुझे। हाँ भाई ये डक्स का अंडा है, अभी मैं इसको नहीं छेड़ता यार। ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसने अंडा दे दिया। इसको अंडे इकट्ठे करेंगे, बच्चे के ऊपर बैठेगी, मजे मजे। जितनी जल्दी डक्स को दी ना उतनी जल्दी हमारी मुर्गियों को भी है। चलो आओ फिर, आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सारे आ जाओ, सबको खाना मिलेगा, कोई भी नहीं बचेगा। तुम रह गए हो, तुम भी आ जाओ। अली खोल यार, आ जाओ तुम भी। कबूतर जो न्यू आया है ना, उनको तो पकड़ के शायद निकालना पड़ेगा बाहर, बाकी खुद आ जाएंगे। दोस्तों ये घास डक्स के लिए है जो कल भी हमने दी थी, और आज सारी इनको डाल दूंगा मैं। आ जाओ डक्स, आ जाओ। मुर्गियों को ना मैं दाना देता हूँ। आ जाओ मुर्गियों, इधर आओ मुर्गियों और कबूतर, इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ। ये लो। एंग्री बर्ड भी साथ आ गए, आ जाओ आ जाओ। डक इधर भी आ गई है, मैंने इधर दाना डाला, इधर भी डक आ गई है। डक उधर जा यार तू, कबूतरों को थोड़ा इधर ही डालता हूँ। यार ये हमारे न्यू कबूतर को क्या हुआ है, ये बहुत डाउन हो रहा है। मैं तो कहता हूँ इसको ना जल्दी से दवाई पिलाते हैं, इसको कुछ हो ना जाए। मुझे पता है तुम रह गए हो, आवाज़ें ना निकालो, एक मिनट रुक जाओ, तुम्हें भी देता हूँ मैं डाइट। अच्छा भाई आ गया आ गया आ गया, उधर 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 मेरे दोस्तों। ओ हो, बाहर निकल क्यों रहे हो, बाहर क्यों निकल रहे हो, सबको मिलेगा यार। ये ना मेरे वफादार तोते हैं बड़े, ये इनको बाहर भी खाना दे तो ये बाहर नहीं भागेंगे, खुला भी रहे। चलो जी, डक्स के लिए ना मैं तालाब बनाऊंगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि इन्होंने मुझे अंडा दिया, खुश हो गया हूँ मैं। ये देखो कितना, ये पानी से इनको इतना लव है ना, ये सिर्फ पानी के साथ खेलती रहती है। ये देखो तो सब कबूतरों को ना मैंने दवाई वाला पानी दिया है ताकि ये सही हो सके। जो ये कबूतर बीमार है इसको मुझे खुद पिलाना पड़ेगा यार, पता नहीं। देखो इसकी आईज देखो बंद हो रही हैं, और बाकी तो खुद पी रहे हैं सब, पी रहा। न्यू कबूतरों में से हमारा ये बीमार है ना, मैं इसकी टेप जो हमने कल की थी वो खोल रहा हूँ, क्योंकि ये ताकि सही हो सके। पता नहीं इसको ठंड लगी है या क्या लगा है, देखो ये बिल्कुल ना डर रहा है, ना चल रहा है, ना कुछ पी रहा है, ना खा रहा है। देखो दोस्तों ये जो हमारी खुमरी है ना डव, ये पार को अपने धूप लगवा रही है, ये देखो। दोस्तों मैं डक्स के ना पिंजरे के अंदर आया बैठा हूँ, यहाँ जगह बन गई है, अंडा भी मैंने रख दिया, और बाकी अंडे भी वो इसी जगह पे देगी ताकि बच्चे निकल सकें। चलो भाई बाहर निकल जाओ। दोस्तों अभी हम ना पेट हाउस की सारी सफाई करेंगे, उसके बाद जो करना करेंगे। वैसे तो मेरा आज ये सीन है बड़ा, यहाँ सारा कपड़ा लगवा दें, लेके आना है और लगाना है। दोस्तों जो मैं कल डब ले आया हूँ ना, जो मैं आपको कह रहा था आज़ाद करेंगे हम, तो वो ये है बड़ी, ये देखो ये यहाँ से भी डैमेज हुई पड़ी है, ये देखो यहाँ से खून निकल रहा है इसका, ये देखो सुबान के हाथ पे भी लगा हुआ है। तो इसकी जो चूँच है ना, ये देखो इसने ना पिंजरे को इधर मारा है, ये देखो यहाँ, ये वो यहाँ भी खून लगा पड़ा है। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ इसको आज़ाद कर देते हैं, ताकि ये तकलीफ़ में रहे, उड़ती रहे और जहाँ मर्जी जाए। चलो जी इसको मैं आज़ाद कर देता हूँ, और देखो उड़ती है या नहीं उड़ती, बिस्मिल्लाह पढ़ के। ये मैं पहला परिंदा आज़ाद कर रहा हूँ अपने पेट हाउस से। चलो उड़ जा यार, ये उड़ी नहीं रही, खुद उड़ाना पड़ेगा। वो गई, वो दरख्त में जाके बैठ गई है। दोस्तों न्यू कबूतर और एंग्री बर्ड्स मिलजुल के खा रहे हैं, लेकिन एंग्री बर्ड्स आपको पता तो है औरों को तो खाने, बदखों और मुर्गियों को नहीं खाने देते। शुक्र है ये इनकी दोस्ती कबूतरों के साथ है बड़ी। फाइनली दोस्तों इस कपड़े का मैंने ऑर्डर दिया हुआ था और ये आ गया है। एक कपड़ा तो हमने पहले साइड पे लगाया था, और ये फ्रंट पे लगाएंगे हम अपने पेट हाउस के। दोस्तों एक भाई का कमेंट आया था, वो कहता था अपनी डक्स को ना आप रोटी खिलाओ, बहुत शौक से खाएंगी, और आज मैंने इनके लिए रोटी बना ली है, तो इनको खिलाता हूँ आज।
आ जाओ डक्स, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, आप भी आ जाओ। दोस्तों हमारे कबूतर ना ऊपर जाके बैठ गए हैं, कल मैंने इनके पर भी बांधे थे फिर भी पता नहीं कैसे उड़ गए हैं। मैं उनको पकड़ के आता हूँ, मैंने दाना भी इनको डाला, बार भी दूसरे निकाले हैं, लेकिन वो नहीं आ रहे। वो ऊपर सारों को उड़ाओ, सारों को उड़ाओ। दोस्तों हम अपने कबूतरों को उड़ा रहे हैं ताकि उन वो इनको देख के आ जाएं। दोस्तों मैं साथ वालों के घर से जा रहा हूँ, अल्लाह करे हमारे कबूतर उड़े ना, बैठे हों। भाई चील भी आ गई है, भागो भागो यार, मुझे समझ नहीं आ रही हमारे कबूतर उड़े कैसे हैं। आराम से जाऊंगा, शोर ना मचे। वो बैठे हैं चुप 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 चुप। इनको पकड़ना है, उड़ाना नहीं है। वो देखो वो बैठे हैं आराम से, बिल्कुल उड़ गए। आ आ वाइट कबूतर तो इधर बैठे हैं, लेकिन वो उधर जाके बैठ गए हैं, वो उधर। दोस्तों बहुत बैड लग गया, कबूतर तो हमारे उड़ के आगे चले गए हैं। चलो बाद में आ जाएंगे, हमारा काम ना रुके। मैंने जल्दी जल्दी से एक कपड़ा लगाना है मैंने, और लगाता हूँ। दोस्तों फाइनली हम कपड़ा लगाने लग रहे हैं, और ये जब लग जाएगा देखना कितना खूबसूरत हमारे ये पैट हाउस में लगेगा। दोस्तों कितना मस्त लग रहा है ये बटरफ्लाई वाला कपड़ा, ऊपर से तो हमने फिक्स कर लिया है, अब इसको नीचे से भी करने की बारी है। दोस्तों इस कपड़े को देख के ना डक्स बड़ी खुश हो रही है, वो समझ रही है बटरफ्लाई है, वो पकड़ के खाने की कोशिश कर रही है। ये देखो बार दरवाजा खटका है, पता नहीं देखूं कौन है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कौन है? आओ मोहसिन भाई, क्या हाल है? ये क्या उठाया हुआ आपने? ये कबूतर हैं, गिफ्ट हैं आपके, कासिद हैं ये। गिफ्ट आ गया भाई साहब। अच्छा ये कासिद हैं, कासिद कासिद हैं। हाँ जी, ये मोहसिन भाई मेरी वीडियो देखते होते हैं, ये कह रहे हैं आपके लिए गिफ्ट ले आए हूँ। आप तो दिखाओ तो सही मोहसिन भाई, कौन सा गिफ्ट लेके आ रहे हो यार? मैं तो ओ भाई ओ माशाल्लाह, ये तो कासिद कबूतर है ना। ओहो अरे इधर छोड़ दो, इधर छोड़ दो इसको। ओ भाई साहब एक और भी है, दो है ना? हाँ। अच्छा एक और दिखाओ। ओ माशाल्लाह यार ये कितना खूबसूरत है, ये तो ऐसे लगता है जैसे इसकी चूंच देखो यार, दिल बना हुआ पूरा। थैंक यू मोहसिन भाई, थैंक यू यार। ये सारे बच्चे भी गिफ्ट देखने आए हुए हैं। वैसे मोहसिन भाई के पास बहुत सारे कबूतर हैं, जैसे मेरी वीडियो देख रहे हैं इन्होंने कहा ये अपने सेटअप में रखो, ये दो कबूतर आप ले लो, तो मैंने इनको ना इधर बंद कर दिया छोटे केज में। और ये पूरा चील जितना है इसका, आप साइज देखो माशाल्लाह। बाकी मैं सुबह दिखाऊंगा, अभी तो इनको दाना शाना खाने दो। थैंक यू मोहसिन भाई आपका, मुझे बड़े पसंद आए मोहसिन भाई। रेसर हैं ये, रेसर हैं? हाँ जी ये कबूतर कह रहे हैं रेसर हैं बड़े। ये चीज़ें कम मिलती हैं, लेकिन हमें तो गिफ्ट मिल गया। अच्छा दोस्तों आप बताओ हमारा गिफ्ट कैसे लगा आपको, और ये कपड़ा भी लग गया तकरीबन पूरा, और अभी हम सारों को बंद करते हैं क्योंकि सर्दी का टाइम हो रहा है। तो मैं गिफ्ट के चक्रों में बाहर चला गया था, और यहाँ से नीचे से कपड़ा काम अधूरा रह गया, तो बस अभी मैं वही लगा रहा हूँ, उधर भी लग गया उधर भी लग गया। दोस्तों आज काम करते करते ना शाम हो गई, अभी मैं फ्री हुआ हूँ, तो आज का व्लॉग भी यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलते हैं कल, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।